suspect as murder yet. Kill him. Yeah. हाय राम, क्या जमाना आ गया। पत्नी ने अपने पति का खून कर दिया। पति भी कौन, एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी बीवी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। कलयुग है बहन, कलयुग। इस युग में जो भी हो जाए काम है। गेट असाइड प्लीज, आप भी हट जाइए जरा। हवलदार चलो। दीदी ये सब कैसे हो गया दीदी? धीरे रखो कामनी, अब आइए। कामनी इस मुकदमे की आखिरी और चश्मदीद गवाह है, जो कोई गैर नहीं बल्कि मुलजिमा शालिनी देवी की सगी छोटी बहन है। मिस कामिनी, क्या यह सच है कि तुम्हारी आंखों के सामने शालिनी देवी ने विशाल सक्सेना का खून किया? जी हाँ, ये सच है। मिलोर, सारी शहादतें और गवाहों के बयानात के बाद मुकदमा आईने की तरह साफ हो चुका है। बड़े शर्म की बात है, जिस समाज में औरत को वफा की देवी और ममता की मूर्ति तस्लीम किया जाता है, जहां औरत अपने पति की पूजा करती है, पति को परमेश्वर मानती है, योर ऑनर, उसी समाज में एक ये भी औरत है जिसे ना सिर्फ एक जिम्मेदार होनहार पुलिस ऑफिसर का खून किया है बल्कि अपने पति का खून किया है। नहीं, मैंने अपने पति का खून नहीं किया। मर्डर तब होने के बाद ही बोलती है कि मैंने। ऑर्डर, ऑर्डर। ये सच है कि मैंने खून किया है और अदालत इसके लिए जो सजा चाहे मुझे दे सकती है, मगर मेरे सर से ये इल्जाम हटा लीजिए कि मैंने अपने पति का खून किया है, क्योंकि क्योंकि मैंने अपने पति का खून नहीं किया। योर ऑनर, कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने के बाद मुलजिमा अपना होश और हवास खो बैठी है। नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या वो पिस्तौल जिससे तुमने गोलियां चलाई तुम्हारी नहीं थी? मेरी थी। तो क्या उसी पिस्तौल की गोलियों से मक्तूल की मौत नहीं हुई? हुई थी। तो क्या मरने वाले की लाश तुम्हारे पति की लाश नहीं थी? थी। तो क्या ये लड़की झूठ बोलती है कि इसने अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपने पति का खून करते देखा? ये भी सच है। तो फिर ये भी सच है कि तुमने किसी और का नहीं बल्कि अपने पति का ही खून किया? नहीं, ये सच नहीं है। ये एक ऐसा इल्जाम है
जिसे लेकर कोई भी हिंदुस्तानी औरत जी नहीं सकती, और मैं ये इल्जाम लेकर मरना भी नहीं चाहती। इसीलिए मैं अदालत से विनती करती हूँ, ये इल्जाम मेरे सर से हटा लीजिए और मुझे सजाए मौत दे दीजिए। बड़ी चालाक हो, एक तरफ तो ये कहती हो कि मरने वाले की लाश तुम्हारे पति की ही लाश थी और वह तुम्हारी ही पिस्तौल की गोलियों से मरा है, और दूसरी तरफ ये भी कहती हो कि अपने पति के खून का इल्जाम तुम्हारे सर से हटा लिया जाए, तो फिर किसके खून के इल्जाम में तुझे सजा दी जाए? ये मैं नहीं जानती। ये मैं जानता हूं। योर ऑनर, अदालत में बेवक्त की मुदाखलत की मैं मुआफी चाहता हूं, और शालिनी देवी के वकील की हैसियत से इस मुकदमे पर रोशनी डालने की इजाजत चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अब इस मुकदमे पर रोशनी डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि मुकदमे की सारी कार्रवाई हो चुकी है और ये साबित हो चुका है कि मुलजिमा शालिनी ने ही खून किया है और अपने पति का। ये गलत है, ये गलत है योर ऑनर। शालिनी देवी ने जो कहा कि इन्होंने खून किया है मगर अपने पति का नहीं, ये सच है। और गवाहों के कठहरे में खड़ी ये लड़की जो ये कहती है कि इसने अपनी आंखों के सामने शालिनी देवी को अपने पति का कत्ल करते हुए देखा, ये भी सच है। कमाल, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं मिलोर्ड, और ये भी जानता हूं कि ये एक ऐसा पेचीदा केस है जो ना तो दुनिया की किसी अदालत में पेश हुआ है और ना ही कभी होगा। योर ऑनर, मेरे मौजूद दोस्त अपनी फिजूल बातों से अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अदालत से पुरजोर अपील करता हूं कि मुलजिमा शालिनी को उसके जुर्म की ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरी औरतें अपने पति के खून का तो क्या, खून के ख्याल से ही थर्रा उठे। योर ऑनर, कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस मुकदमे की नवयत को अच्छी तरह समझ लिया जाए, वरना खून का दाग एक पतिव्रता स्त्री के पवित्र आंचल पर ही नहीं बल्कि कानून, समाज और संस्कृति के तमाम दामन पे लग जाएगा, जिसे दुनिया के सारे समंदर के पानी से भी धोया जाए तो नहीं धुल सकता। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे जिन वाकयात का इल्म है उन्हें बयां करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू मिलोर्ड। आज से एक साल पहले शालिनी देवी और मिस्टर विशाल सक्सेना अपने शादी के पवित्र बंधनों में बंधने के बाद शालू कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? नमस्ते 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 सर। नमस्कार दीनदयाल जी, नमस्कार। वेलकम वेलकम कमिश्नर साहब, वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो दीनदयाल जी। भाई आपने यहाँ आकर जो हमें इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीनदयाल जी, इसमें शुक्रिया क्या बात है, आप जैसी महान हस्ती की पार्टी में शिरकत करना हम उसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं। और फिर दीनदयाल जी, अब तो आपका और हम पुलिस वालों के साथ हमेशा का रिश्ता भी हो गया। शालू एक बात पूछूं, पूरा तो नहीं मानोगे, जब तक तेरे वो नहीं आते मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं? अरे कुर्सी पे बैठने से क्या होता है मेरी जान, जो बात उन में है तुझ में कहा। ठीक कहते हैं, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। विशाल ने बड़ी देर कर दी, अभी तक तुझे आ जाना चाहिए था। आएगा कैसे, लगा होगा किसी चोर चक्के के पीछे। आज के दिन भी, दिन कोई भी हो उसके लिए सब दिन बराबर। लेकिन एक बात है दीनदयाल जी, आपने हमारे डिपार्टमेंट का सबसे कीमती हीरा चुरा लिया। इसमें कोई शक नहीं, मगर वो है कहाँ? और तेज लगाओ। हाँ
जाते हैं। ले लो जल्दी। ओके सर। अरे खराब हो गया। चलो। वाकई बहुत देर कर दी जीजा जी ने, इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए। मेरी मानो दीदी तो अभी से लगाम खींच लो, वरना रात रात भर इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार है मियाँ का और बुला रही है माँ को। ये लो तुम्हारे वो आ गए। हेलो हेलो कैसे इस वॉर गो लीजिए आगे बखुर्दा। जीते रहो जीते रहो। सर लड़के आ रहे हो जी? वो रास्ते में जरा दुनिया बदल सकती है लेकिन तुम नहीं बदल सकते। हर काम का अपना एक वक्त होता है बेटे। हर काम अपने वक्त पे ही होता है डैडी, लेकिन फर्ज के रास्ते में किसी खुशी अगम की कोई अहमियत नहीं होती। इज राइट। थैंक यू सर। आई एम सॉरी शालू। लेकिन बेटे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। फर्ज किसी जज्बे का पाबंद नहीं होता डैडी। शायद यही फर्क है हम पुलिस वालों में और आम आदमी में। मैंने सबसे पहले यही सबक सीखा है, ड्यूटी इज फर्स्ट। बट यू आर नॉट ऑन ड्यूटी माय डियर बॉय। तुम एक महीने की छुट्टी पर। यस सर। गो एंड चेंज फर्स्ट। मैं अभी चेंज करके आता हूं। हर आदमी पैसा कमाने के लिए नौकरी करता है। लेकिन विशाल खानदानी रईस होने के बावजूद अपने बाप की तरह सिर्फ पुलिस की सर्विस करता है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? यस एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आया बेटे। जी कमिश्नर साहब। हेलो कैप्टन, जस्ट अ मिनट। ओके चलनी, गो अहेड। लोग तो स्वागत में पता नहीं क्या क्या करते होंगे, पर तुझे तो मरम पट्टी करनी पड़ेगी। मेरी मानो दीदी तो एक डिस्पेंसरी खोल दो, ये हंगामे तो आए दिन होते ही रहेंगे। चुप शरीफ। रत्ना तुम? अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे फॉरेन कंट्रीज क्यों भेज दिया था। शालिनी की शादी का वादा मुझसे और शादी किसी और से? शादी? जिस आदमी के सर पर कानून की तलवार लटकी हो। जब मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर एक मुजरिम धर्मपाल को सेठ दीनदयाल बनाया था, उस वक्त भी कानून की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी सेठ। और जब तुमने शालिनी की शादी का वादा मुझसे किया था, उस वक्त भी कानून की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी सेठ। देख, मैं शालिनी से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं उसे। मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का असूल यही है, मिट जा या मिटा दो। रखना शालिनी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी।
एक चोर पुलिस वाले को अपना दामाद बनाते ही कानून की धमकी देने लगा। सेठ, शेर को पिंजरे में बंद करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अभी बच्चे हो, अगर तमाचा मार दूं तो मुंह से खून की बजाय दूध निकलेगा। जब इंसान का खून सफेद हो जाता है सेठ, तो उसे खून भी दूध नजर आने लगता है। इंसान जब अपनी जान की सलामती चाहता है तो शराफत से बाहर निकल जाता है। गेट आउट। याद रहे दीनदयाल, तूने सांप की दुम पर पांव रखा है, और अगर सांप ने पलटने की कोशिश की तो मेरा दूसरा पांव उसके फन पर होगा। उससे पहले मैं तुम्हारे दोनों पांव काट कर फेंक दूंगा सेठ। बेटा विशाल, इनसे मिलो, ये है मिस्टर रतन, पहले मेरे पार्टनर हुआ करते थे। और अब इनके वेलविशर, ग्लैड टू मीट यू। मैं ये देख रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक होनहार ऑफिसर की बाजू में कितनी ताकत है। अभी तक दूसरों की ताकत आजमाने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। अबे साले, कहां था इतने सालों तक? बस यार यही लंदन, पेरिस, रोम, लंका, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। कभी फुर्सत से बैठूंगा ना तो फिर बताऊंगा। इसका मतलब तुम दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी हाँ डैडी, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे, खूब मुकाबला होता था हम दोनों। अरे विशाल, मुकाबले का नाम ही तो जिंदगी है, और थक कर बैठ जाना मौत। फिर मिलेंगे। इंस्पेक्टर खान फ्रॉम बांद्रा पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर विशाल से बात कर सकता हूँ? विशाल सक्सेना तो छुट्टी पर हैं। आप कौन साहब? मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। नहीं, मैसेज तो नहीं, कुछ पर्सनल काम था मुझे उनसे। कोई बात नहीं, मैं उन्हें दोबारा फोन कर लूंगा। थैंक यू। विशाल सक्सेना से पर्सनल काम? वो कानून को अपना धर्म और फर्ज को अपना ईमान समझता है। मेरे भी कुछ ऐसे ही उसूल है डार्लिंग, जिनको मैं अपना ईमान समझता हूं। मेरे उसूल है, मिट जाओ या मिटा दो। भगवान का शुक्र है कोई तो इस होटल में आया। सलाम साहब। सलाम मेम साहब। मैं सामान उठा लेता हूँ मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए। ये उठा लेता हूँ, फिक्र नहीं। आइए आइए आइए, मेरे पीछे आइए आइए, पीछे 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 पीछे। भाभी जी, इस मर्दूत का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी चोर उचक्कों के पीछे पड़ जाए। सुन, जिस काम के लिए आया है वही करना। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ओके। अच्छा भाभी जी, अच्छा फिर मिलेंगे। इतना भारी सामान, मैं वो जवान हूं जो लोहे से पापड़ को तोड़ता हूं। अरुण तो ठीक है। सामान रख दिया साहब। गुड। सारा सामान रख दिया साहब। वेरी गुड। बाहर कोई सामान नहीं है साहब। अब समझ रहा। सलाम साहब। और सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा साहब, कोई नहीं आएगा, और मैं भी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप दोनों का नया नया हिसाब है ना। अजीब करेक्टर है। फूल भी हैं, गुलशन भी है, जज्बात भी हैं जोश में, सब्र अब होता नहीं, हाय आ भी जा आगोश। देखिए जनाब, हम ठहरे पुलिस वाले। जो मुजरिम शराफत से अपने आप को हमारे हवाले कर देता है, हम उसके साथ नरमी से पेश आते हैं, बल्कि उसकी सजा कुछ कम भी कर देते हैं। और जो हमें परेशान करता है, हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश करता है, हम उसकी सजा दोगुनी, तिगुनी, बल्कि चौगुनी कर देते हैं।
मतलब सजा तो देते ही है ना? अरे अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तुम्हें वो सजा थोड़े देंगे, तुम तो हमारी बीवी हो ना। आओ। चलो बैठो डालें। भाई हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और हाँ तुम्हें एक तोहफा भी देंगे। आंखें बंद करो। हाँ अब आंखें खोलो। अब क्या हुआ? ये कोई तोहफा है? चुप चुप। शाबाश, हम तुम्हें समझाते हैं। देने वालों ने आज तक महबूबा या बीवी को सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए जिनकी इंसान को खुद रक्षा करनी पड़ती है, और ये वो तोहफा है जो इंसान की रक्षा करता है, है ना? यस यू आर राइट। अब क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हमें क्या सजा देंगे इंस्पेक्टर साहब? क्या? सजा तो हम आपको देंगे। ए, 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 ये कैसी सजा है? वैसे ही जैसे कोई पुलिस वाला जब एक चालाक मुजरिम के जाल में फंस जाता है, बिल्कुल वैसे ही। समझे? मैं वो जमा हूँ जो लोहे नया नया हिसाब किताब है ना, आज पहला दिन है। मैं वो जमा हूँ जो लोहे से, दूसरा दिन है। डा 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 डा। डा 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 डा। हाय, शुक्र है 3 दिन बाद बत्ती तो बुझी। आए, कहीं बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया? कोई बात नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूं। ये चाय मैं साहब को दे देता हूं। कम इन। कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। अजहरुद्दीन ने लगातार 3 सेंचुरी मारी है। अभी तक खेल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी आउट हो गया साहब। अब आप भी आउट हो जाइए। मैं आउट हो जाऊं साहब? बिल्कुल आउट। पक्का आउट हो जाऊं? बिल्कुल आउट। आउट? बिल्कुल आउट। डाउट? आउट। आउट। कमाल है। मैं सचमुच आउट हो जाऊं साहब? आउट। जोकर कहीं का। संगे मरमर सतराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले से ताजमहल कहते हैं। ए, ए शाहरुख, प्लीज दरवाजा खोलो, ये चीटिंग है। कमरे में बंद हुए 3 दिन हो गए, अब अच्छे बच्चों की तरह नहा धोकर बाहर निकलिए। पुझे? भाई मेरे खतरनाक तो नहीं है, पहली बार है। करवा दिया कचरा? वंस अगेन। ए अरे थोड़ा क्या? Ready. How's it? Hi, Shalu. How are you? Fine. लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे भाई मैं तो ऐसे बिजनेस टूर पर निकला था। Hi, Vishal. Hi. मियाँ ये घोड़े पर ऐसे ही बैठ गए शौकिया, या सवारी वारी भी आती है क्या? रेस लगाओगे? रेस?
श्योर। लेकिन जाना कहां तक है? सूर्य लोक तक या चंद्र लोक तक? अरे भाई क्या सूरज चांद की बातें करते हो, यही जमीन पे फैसला कर लेते हैं। क्यों शालू ऐसे करते हैं, हाँ वो देखो वो टीला दिखाई दे रहा है ना, और उस पर वो झंडा लहरा रहा है, दिख रहा है ना? ठीक, बस उसको छुके आ जाते हैं। क्यों? डन डन। शालू तू रेफरी बन जा। रेडी? या रेडी। वन टू थ्री। थैंक गॉड तुम बच गए, वरना शक मुझ पर ही आता। मैं शक पे नहीं सबूत पे यकीन रखता हूँ। मिसाल के तौर पे ये झंडा तुमने हाथ लगाने को बोला था, मैं डंडे समेत ले आया। थैंक गॉड। तो ये पहली जीत और नई जिंदगी मुबारक हो। फिर मिलेंगे। बाय बाय शालो। बाय। शाबाश। ओह विशाल डार्लिंग, ये हादसा नहीं, तुम्हें मार डालने की साजिश थी। टेक इट इजी डार्लिंग, मौत से पहले कभी माफ नहीं। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हनीमून की छुट्टियाँ? हनीमून घर पर मना लेंगे, चलो। कमाल है। हेलो कौन? चाली बेटी। धीरे बोलिए डैडी, मैं बॉम्बे से ही बोल रही हूँ। वापस क्यों आ गए? बस मेरा जी नहीं लग रहा था इसलिए हम लोग वापस आ गए, और ये आज ही ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड, तो फिर कल शाम का खाना हमारे साथ खाओगी? ठीक है, मैं इनसे पूछ कर देखूंगी, अगर इनका कोई दूसरा प्रोग्राम ना हुआ तो। ओके बाय डैडी। बाय बेटे। चलो डार्लिंग, जरा मेरा टॉवल देना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जानबूझकर अपना टॉवल बाहर छोड़ जाते हो। मैं छोड़ जाता हूँ या तुम छुपा देती हो? यू अंदर आना, मैं नहा चुकी हूँ। एक बार और नहा ले। शरीर कहेंगे। जोली ये क्या है? नीचे उतरो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे जाने के बाद सफाई क्या करो? आई एम सॉरी सर। चलो। वेरी सॉरी। कौन था ये आदमी?
टेक इट इजी डार्लिंग, हम पुलिस वालों की जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। लेकिन वो था कौन? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। ये बादशाह है, अपना ही आदमी है, मेरा बड़ा ध्यान रखता है, बड़ा वफादार है। अचानक दुश्मनों की तरह हमला करता है और मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। बी ब्रेव डार्लिंग, बी ब्रेव। काम हो गया? यस बॉस। किसी ने देखा तो नहीं? जी नहीं। गुड, जाओ दारू पियो। इधर भी नहीं, कहाँ गई? क्या ढूंढ रहे हो जी? मैं तो यहाँ हूँ। अरे बाबा, मैं तुम्हें नहीं उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो कोई और भी है? हाँ, दो ही तो है मेरी जिंदगी में, एक तुम एक वो। उसे तो मैंने ठिकाने लगा दिया। किसको? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरे बाबा, मैं तो अपनी डायरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, डायरी कहाँ रखी थी? मिले तो बताओ ना। कहीं ये तो नहीं? यही तो है। बड़े वो हो जी, ऐसी वैसी बातें भी लिख देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेम साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी क्यों? इसकी आपको सजा मिलेगी। क्या? सजा रात को, इस वक्त ड्यूटी, ड्यूटी पे जाइए। यस यस, यू आर राइट, ड्यूटी इज फर्स्ट। अब तो जाने पड़ेगा, देखते हैं ना। I have full confidence in Vishal. He never fails. May I come in, sir? Welcome, Vishal. अच्छा हुआ तुमने छुट्टियां खत्म होने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली। बैठो। थैंक यू सर। ये रही होटल डिगारका की फाइल, इसे अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए। पुलिस को शक है कि यहाँ से चरस, गांजा और अफीम वगैरह स्मगल होते हैं, लेकिन आज तक पुलिस कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी। इसीलिए एक केस तुम्हारे हवाले किया जा रहा है और हमें यकीन है कि हमेशा की तरह तुम अपनी काबिलियत का सबूत दोगे और मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करोगे। ऐसा ही होगा सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो इंस्पेक्टर विशाल सक्सेना हियर। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बात को जरा दिल थाम के सुनना। इस शहर का एक धर्मात्मा, एक इज्जतदार इंसान, तुम्हारा ससुर यानी कि सेठ दीनदयाल, एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है जो कानून और समाज की आंखों में धूल झोंक रहा है। क्या बकते हो? सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है इंस्पेक्टर। एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा किया और मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी अपना फर्ज अदा करेगी। पुलिस अपना फर्ज जानती है और जब तक कोई ठोस सबूत हाथ में ना हो किसी बेहुदा बकवास पर यकीन नहीं करती। तो ठीक है इंस्पेक्टर, गौर से सुनो। कोई 15 साल पहले कलकत्ता में धर्मपाल नाम के एक आदमी को बैंक लूटने के सिलसिले में सजा हुई थी, जो बाद में जेल से फरार हो गया, जिसे पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई। इंस्पेक्टर, पुलिस ढूंढती भी कैसे, क्योंकि वो इंसान धर्मपाल से सेठ दीनदयाल बन गया था, यानी कि तुम्हारा था सर। अरे परेशान मत हो इंस्पेक्टर, जरा अपने टेबल का लेफ्ट साइड का ड्रॉर खोलो। खोलो। अरे हैरान होने की क्या बात है, वो वही फाइल है जिसमें धर्मपाल उर्फ सेठ दीनदयाल उर्फ तुम्हारा ससुर, जिसकी पूरी की पूरी कुंडली है। गौर से पढ़ोगे तो सब मालूम हो जाएगा। हैप्पी रीडिंग, गुड लक। हेलो हेलो हेलो, धर्मपाल ये कैसे हो सकता है? हवलदार,
हाँ जी साहब। ये फाइलिया कैसे आई? मालूम नहीं साहब। तुम ड्यूटी पे कब से हो? सुबह 7 बजे से साहब। लेकिन साहब सुबह से तो यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है तुम जाओ। हेलो। हाँ देखिए, मैं जनरल ब्रांच से इंस्पेक्टर विशाल सक्सेना बोल रहा हूँ। जो अभी अभी मेरे ऑफिस में फोन आया था, लोकेट करके बताइए कहाँ से आया था। जी हाँ, इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू, आई एम वेटिंग। हेलो। हाँ देखिए, मैं जनरल ब्रांच से इंस्पेक्टर विशाल सक्सेना बोल रहा हूँ। जो अभी अभी मेरे ऑफिस में फोन आया था, लोकेट करके बताइए कहाँ से आया था। जी हाँ, इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू, आई एम वेटिंग। हेलो, यस स्पीकिंग। यस, होटल डिगारका से। थैंक यू। होटल डिगारका। गुड इवनिंग। हाय गर्ल्स। जॉन, सारा माल तैयार है? यस बॉस, सारा माल तैयार है। वेरी गुड। याद रहे ये कंसाइनमेंट आज रात को जाने वाला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओके ओके सर। गुड लक। बम बम, कम ऑन गर्ल्स, हरी अप। लीजिए दूध पी लीजिए। रख तो। क्या बात है, आज आपने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज एक केस आया है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। सुबह डैडी का फोन आया था, कल शाम खाने पे बुलाया है। ठीक है, बैठो शालू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम लोग पहले कहाँ रहते थे? कलकत्ता। शुरू से इतने अमीर हो या? बहुत गरीब थे। मेरे डैडी बैंक में कैशियर थे। फिर हम बॉम्बे आ गए और डैडी ने अपने किसी दोस्त के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। तुम्हें याद है कौन सा बिजनेस शुरू किया था? जी नहीं, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि जिन दिनों तुम्हारे डैडी बैंक में काम करते थे, उन्हीं दिनों उसी बैंक में गबन हुआ था। गबन करने वाला पकड़ा गया था, उसे सजा भी हुई थी, लेकिन वो जेल तोड़कर फरार हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम समझ रही हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। काश ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? तो आप अपनी जिम्मेदारी के मुकाबले रिश्तेदारी को कोई अहमियत नहीं देंगे? मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो मेरे डैडी, मैं या आप ही क्यों ना हो। नाइस, थैंक यू शालू, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या बात है बेटी, इतनी सुबह सुबह? खैरियत तो है? डैडी, आपने हमें जितने लाड प्यार से पाला है, अगर मैं बार बार भी जन्म लूं, तो भी आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है पगली कहीं की। बचपन से लेकर आज तक बिना मांगे आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आज मैं आपसे अपने एक सवाल का जवाब मांगने आई हूँ। देंगे ना जवाब? जरूर दूंगा,
पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? जिस वक्त हम लोग कलकत्ता से बॉम्बे आए, बहुत गरीब थे। यहाँ आकर आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जिससे हम लोग अचानक इतने अमीर हो गए? बिजनेस चाहे कोई भी हो, तकदीर जब साथ देती है तो मट्टी भी सोना हो जाती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है डैडी, सच सच बताइए, आपने कौन सा बिजनेस किया था? बात कुछ पुरानी सी हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन आप ये तो नहीं भूले होंगे कि जिस बैंक में आप काम करते थे वहां गबन हुआ था, मुजरिम पकड़ा भी गया था, मगर वो जेल से फरार हो गया था और पुलिस आज भी उसकी तलाश में है। विशाल को शक है कि वो मुजरिम आप हैं। आपका हाथ मेरे सर पर है डैडी, कह दीजिए ये सब झूठ है। नहीं बेटी, तुमने जो कुछ सुना है सच है। सच है, सच है। जिनके पांव छूकर मुझे पूजा का आनंद मिलता था, जिनके रूप में मैंने हमेशा भगवान का रूप देखा, वो एक चोर है। एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? उसकी अपनी औलाद ही उसे चोर कहे। मैं चोर नहीं था बेटी, हालात ने मुझे चोर बना दिया। गरीबी की वजह से मैं तुम्हारी माँ का ठीक तरह से इलाज न करवा सका। वो बेचारी एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गई। मैंने ये सदमा भी बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता जब कामनी दूध की एक एक बूंद के लिए बिलख रही थी और तुम दोनों की मौत मेरी नजरों के सामने घूम रही थी। पीतल पर सोने का पानी नहीं ठहरता डैडी, गलत कमाई से हमारी परवरिश करने से बेहतर होता आप हमारा गला घोट देते, हमें मार डालते। माँ बाप अपने आप को मौत के मुंह में धकेल सकते हैं, अपनी संतान को नहीं मार सकते और ना ही उन्हें भूखों मरता देख सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के माथे पर इज्जत का चांद सजाते हैं, कलंक का टीका नहीं। आपने ये क्यों नहीं सोचा इस बात का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? यही वजह थी मैं आज तक कानून की नजरों से भागता रहा, क्योंकि मैं जानता था कोई भी शरीफ आदमी एक गुनाहगार की बेटी से शादी करना मंजूर नहीं करेगा। कामिनी का हाथ पीले हो जाए, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। शालिनी बेटा। मैं कमिंग सर। कमिंग विशाल। सर मुझे सेठ दीनदयाल के नाम अरेस्टोरेंट चाहिए। व्हाट? जी तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो और किसके खिलाफ कह रहे हो? जी हाँ, दीनदयाल जी एक इज्जतदार इंसान है, लोग उन्हें धर्मात्मा कहते हैं। ना तो उनका कोई धर्म है और ना ही कोई आत्मा। सेठ दीनदयाल का असली नाम धर्मपाल है और वह कानून से भागा एक मुजरिम है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। ओह माय गॉड। विशाल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये मैंने आप ही से सीखा सर, फर्ज का रिश्ता तमाम रिश्तों से ऊंचा होता है। तुम्हारे इस कारनामे पर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को नाज होगा। गुड लक विशाल। थैंक यू सर। डैडी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हाथ आज तक आपके चरण छूते आए हैं, आज वही आपके हाथों में हथकड़ी पहनाने आए हैं। आप जैसा आदमी कोई गुनाह कर सकता है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सोचिए, जब शालिनी और कामनी से आपका सामना होगा तो क्या जवाब देंगे आप? बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? आप बोल भी कैसे सकते हैं? शायद शर्मिंदगी ने आपके होंठ सी दिए हैं, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। हाथ बढ़ाइए, बढ़ाइए हाथ। जरी, खून, ये कैसे हो गया? हेलो। यकीनन चोर ससुर की लाश इंस्पेक्टर दामाद को मिल गई होगी।
कौन हो तुम? इंसाफ का तराजू। इंस्पेक्टर, जिसे तुम गिरफ्तार करना चाहते थे उसे हमने हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया, क्योंकि वो कानून से पहले हमारा मुजरिम था। मैं इस होटल के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? यस बॉस। जॉन, ये सर से पांव तक तारीफ ही तारीफ हैं। इन्हें ऊपर ले आओ। ओके बॉस, आइए मेरे साथ। चलिए। आइए। उधर जाइए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। रत्ना तुम? अरे हाँ भाई, इस होटल का मालिक मैं ही हूँ। क्यों? अगर इस होटल के मालिक तुम हो तो मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि कुछ दिन पहले फोन पर मुझे मुजरिम धर्मपाल की हिस्ट्री मालूम हुई थी, और फोन इसी होटल से आया था। और आज सेठ दीनदयाल के कत्ल के बाद भी कातिल ने फोन इसी होटल से किया है। अरे भाई, ये होटल है और होटल में तो हर किस्म के लोग आते हैं, अच्छे बुरे। लेकिन जिस आदमी की आवाज मैंने फोन पर सुनी थी उसकी आवाज तुम्हारी आवाज से बहुत मिलती जुलती है। इंस्पेक्टर साहब, साफ क्यों नहीं कहते कि वो आवाज मेरी थी, कातिल भी मैं हूं? अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो तुम मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें नंगा करके तुम्हारे बदन पर तब तक कोड़े बरसाता रहूंगा जब तक तुम अपनी जुबान से अपने जुर्मों का इकरार नहीं करते। इंस्पेक्टर, तुम अपनी छोटी सी जुबान से इतनी लंबी बात सिर्फ इसलिए कह सके कि एक तो तुम मेरे क्लासमेट थे और दूसरे तुम मेरे मेहमान हो, वरना तुम्हारे इस खाल की जूतियां मेरे पांव में होते। नाउ गेट आउट। आई से गेट आउट। बास्टर्ड। जानते हैं इंस्पेक्टर साहब ये कौन लोग थे? अच्छी तरह से जानता हूं, ये रत्ना के आदमी थे। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम गंगू है और मैं भी कभी इसी गैंग का लीडर था। और आज? आज? आज इस गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन। वजह जान सकता हूं? ये बड़ी दर्दनाक कहानी है इंस्पेक्टर साहब। रत्ना की हर रात लड़की बदलने की आदत ने एक दिन मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया, और वो अपना मुंह छुपाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। रत्ना बहुत चालाक और ताकतवर इंसान है इंस्पेक्टर साहब, मैं खुलकर उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता,
मगर आपकी और कानून की मदद करके मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। तुम सच कह रहे हो या इसमें कोई तुम्हारी चाल है? इंस्पेक्टर साहब, गिरे से गिरा इंसान भी झूठ बोलने के लिए अपनी बहन पर इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे रत्ना के सारे खुफिया अड्डे मालूम है। गुड, रत्ना अब तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। पोजीशन। ले जा सालों कुत्तों को। यस सर, चलो। Who dares to disturb me? सॉरी बॉस, गजब हो गया। कंगू पुलिस के साथ मिल गया है। क्या? जिसकी वजह से इंस्पेक्टर विशाल ने हमारे वर्सोवा वाले गोडाउन पर छापा मार दिया है और तमाम माल अपने कब्जे में कर लिया है और हमारे कुछ आदमी भी मारे गए हैं। हेलो, व्हाट? हेलो, यस, कहाँ? Smash you, man. I'll smash you! क्या हुक्म है बॉस? इंस्पेक्टर विशाल ने हमारे सब खुफिया अड्डों पर कब्जा करके हमारा करोड़ों का माल जब्त कर लिया है। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। यस बॉस, कल विशाल की लाश आपके कदमों में होगी। यू कैन गो। विशाल, हेलो विशाल सक्सेना है। मैं गंगू बोल रहा हूँ। हाँ गंगू बोल। एक इन्फॉर्मेशन है, आज ठीक 11:30 बजे रत्ना का करोड़ों का माल अहमदाबाद हाईवे पे एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन रास्ते में काफी बंदोबस्त है। वहां तक पहुंचने से पहले आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, होशियार रहिएगा। ओके। कौन था? था एक वेलविशर। सुनिए, न जाने क्यों आज सुबह से मेरी दाई आंख बहुत फड़क रही है और सुबह से मेरे दाने हाथ में खुजली हो रही है। लगता है आज कुछ मिलने वाला है। मूड ही बिगाड़ देती है। सुनो सुनो, क्या? टोपी। टाइगर स्पीकिंग, टाइगर स्पीकिंग। हेलो टाइगर, इंस्पेक्टर विशाल अभी अभी गुजरा है यहां से और अपना पोजीशन ले लेना। राइट हैंड ड्राइव है। ओवर, ओवर।
ओके। इंस्पेक्टर सन लेफ्टिनेंट ड्राइव चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साल्वे। तुम्हारी जीप में पेट्रोल कितना है? फुल है सर। फुल है, इसमें थोड़ा कम है। ऐसे करो मैं इसको ले जाता हूँ, वैसे ही मुझे थोड़ा जल्दी है। ओके सर, एज यू लाइक। थैंक यू। Yes! मुझे अफसोस है बॉस, मैं उसकी लाश नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सके? कोई बात नहीं, उसकी लाश चील कौओं के काम आएगी, क्योंकि उसकी लाश थी इसी काबिल। अरे मेरे शेर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आज तुम लोग गिलासों से मत पियो, बोतलों से पियो, बोतलों से। वेरी गुड। तुम जिंदा? तुम बड़े किस्मत वाले हो इंस्पेक्टर, और बहादुर भी, और बहादुरों की हम बहुत कदर करते हैं। इंस्पेक्टर, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसने शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों से खेलने की कोशिश की है। शेर? तुम अपने आप को शेर कहते हो? शेर कभी छुप कर वार नहीं करते, बल्कि मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करते हैं। मुकाबला? मुझे अच्छी तरह याद है विशाल, कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई में तुम हमेशा मुझसे बाजी ले जाते थे। लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि खेल के मैदान में मैंने तुम्हें हमेशा मात दी थी, और इस कानून और जुर्म के खेल में भी मैं तुम्हें बाजी जीतना नहीं दूंगा। रतन कुमार, ये तुम्हारा वहम है। वो दिन दूर नहीं जब मेरे हाथ में सबूत होगा और तुम्हारे हाथ में हथकड़ी। हथकड़ी? तुम क्या, तुम्हारा सारा का सारा डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ सबूत हासिल नहीं कर सकता है? और इंस्पेक्टर, मैं अब खुद भी इस आंख मिचौली से तंग आ चुका हूं, और फिर हमने किसी से वादा भी किया है, रही सबूत की बात, वो हम खुद तुम्हें देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने गुनाहों का कन्फेशन खुद अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करूंगा, और वो कैसेट तुम्हें मुझसे हासिल करना होगा। कैसे? वो ऐसे कि कल रात ठीक 11 बजे तुम हेलीपैड पर आओगे, लेकिन याद रहे, ना तो तुम किसी फोर्स का इस्तेमाल करोगे और ना ही हम, ना तुम कोई हथियार यूज करोगे और ना हम। हर जीत का फैसला मौत करेगी विशाल, One has to die. क्योंकि हमारी जिंदगी का असूल यही है, मिट जाओ या मिटा दो। मंजूर है। अगर मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों का सबूत हासिल कर सका तो मैं समझूंगा मैंने अपना फर्ज पूरा किया, वरना इस वर्दी को पहनने का मुझे कोई हक नहीं। मुझे तो इसमें रत्ना की कोई चाल नजर आती है, वरना कोई भी मुजरिम अपने जुर्मों का यूं सबूत बनाकर पुलिस को नहीं देता। मेरी बात मानिए, अपने साथ पुलिस फोर्स ले जाइए। नहीं, उसने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, मेरी गैरत को झिझोड़ा है, मुझे अकेले जाना होगा। लेकिन और सुनो,
अगर मैं वापस ना आया। ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। आपके साथ भगवान, कानून, सच्चाई और आपका धर्म है, जीत आप ही होगी। इंस्पेक्टर, ये देखो, ये वो कैसेट है जो मेरे और तुम्हारे बीच चली आई कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वो कैसेट है जिसमें मेरी काली दुनिया का हर राज मौजूद है। ये वो कैसेट है जिसमें मैंने अपनी ही आवाज में अपने हर गुनाह को कबूल किया है। और इंस्पेक्टर, यही वो कैसेट है जिसकी मदद से तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। ये लो। What's happening to me? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आंखें खोल इंस्पेक्टर, उठ इंस्पेक्टर, देख मुझे, मेरे गुनाहों का सबूत चाहिए था तुझे। उठ इंस्पेक्टर, देख मेरे गुनाहों का सबूत, आंखें खोल और देख। ये रहा, जब तक मैं जिंदा हूं इंस्पेक्टर, मेरे गुनाहों का सबूत कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। गंगा, तूने मुझे गोली मारी? मैंने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया है रत्ना। साले गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, साहब, होश में आइए साहब, उठिए साहब, उठिए, उठिए। ओह, ये तुमने क्या किया? मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। ऐसा करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, शायद बच जाए। ठीक है, जल्दी। ओफ, ओफ। समली सर, समली, चलिए सर, चलिए मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए सर, समली सर, बैठिए, बैठिए सर। ओह, लेकिन अंकल, आज 2 महीने हो चले हैं, उनका कहीं कोई पता नहीं। इट्स बैड, रियली बैड। चलिए बेटे,
तुम एक बहादुर पुलिस अफसर की बीवी हो, तुम्हारे मुंह से निराशा की बातें अच्छी नहीं लगती। इत्मीनान रखो, वन डे ही इज गोइंग टू शो अस अ सरप्राइज। गॉड ब्लेस यू। कुछ पता चला? नो सर, ऐसा लगता है जैसे विशाल सक्सेना इस शहर में नहीं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन विशाल जहां भी होगा अपनी मिशन पर होगा, और जब भी वापस आएगा कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर ही वापस आएगा। आदत से मजबूर हूँ। शरीर कहीं के मुझे जगाया क्यों नहीं? सोचा पहले विशाल सक्सेना के गुजरी हुई जिंदगी पढ़ लूं, यानी के अपने। मजाक छोड़ो, ये बताओ मेरे बिना इतने दिन रहे कैसे? चंद दिनों में घबरा गई, और जिसने तुम्हारे इंतजार में परसों गुजार दिए उसका क्या हाल होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी जुदाई का एक एक पल मेरे लिए एक एक साल के बराबर था। ओह विशाल, अब मुझसे कभी दूर ना होना। हकीकत तो यह है शालू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता। घबराई हुई क्यों? दीदी, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है, ऐसा लगता है हमारे डैडी का कातिल इसी घर में है। घबराओ नहीं कामने, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, हम जो आ गए। अरे जीजा जी, आप कब आए? अभी अभी। लेकिन दीदी प्लीज आप मेरे साथ चलिए, प्लीज दीदी। लगता है बहुत डर गई है, मैं इसे सुला कराती हूँ। Thank you.
बेचारी कामिनी रात भर नहीं सो सकी। नींद तो मुझे भी नहीं आई। लीजिए। पहले तो आप कभी इतनी सिगरेट नहीं पीते थे। इन्हीं के सहारे जुदाई की लंबी और भयानक रात गुजारी है। अरे हाँ, उस मुजरिम का क्या हुआ जिसका आप पीछा कर रहे थे? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर याद है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। मैं जिंदा क्यों हूं? मुझे मर जाना चाहिए था। मैदान से भागे हुए सिपाही को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। सॉरी डार्लिंग, आपको इतना दुख होगा, अगर मुझे मालूम होता तो ये बात मैं कभी नहीं पूछती। लीजिए हलवा खाइए, मैंने आपके लिए ही बनाया है। हलवा अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा है। तो फिर आपने तारीफ क्यों नहीं की? इसलिए कि इन हाथों से अगर जहर को भी छू लो तो वो भी अमृत हो जाए। ये तो खाली हलवा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। हलवा तो खा लिया, अब इन ओटों की प्यास तो बुझा लूं। पागल हो गए हैं क्या, छोड़िए ना। पहले फोन तो सुन लीजिए। सिर्फ सुन लूं या इसे तोड़ के फेंक दूं? हेलो, कौन? कमिश्नर, रॉन्ग नंबर। कमिश्नर साहब के फोन को रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया, जबकि आपका उसूल है कि ड्यूटी इज फर्स्ट। सॉरी डार्लिंग, दरअसल इस शिकस्त का मेरे दिल पे कुछ ऐसा असर हुआ है कि कभी कभी मैं अपने आप से भी नफरत करने लगता हूं। हेलो, कौन? कमिश्नर साहब, गुड मॉर्निंग सर। विशाल, विल यू रिपोर्ट इमीडिएटली? ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? मुझे इसी वक्त बुलाया है, लेकिन इन्हें मालूम कैसे हो कि मैं आ गया? आज सुबह फोन पर मैंने ही बताया था, वो आपके गायब होने से बहुत परेशान थे। ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा। You bloody! ये आप क्या कर रहे हैं? रास्ता साफ। ये तो आपका वफादार नौकर बादशाह है। ये वफादार नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है जो कभी भी काट सकता है। गेट आउट। ठीक है सर, मैं खुद ही इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन बादशाह, अगर बदमाश अपने आप को शराफत के सांचे में ढाल भी ले तब भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि मुजरिम का जुर्म खुद बहुत बोलने लगता है। मैं कम इन सर। ओ विशाल, कम इन। तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर का इस तरह गायब हो जाना बेमकसद नहीं हो सकता। आपने ठीक समझा सर, मैंने दीनदयाल के कातिल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस पर किसी ने गोली चला दी। मैं तो उसे जख्मी हालत में भी यहां लाने वाला था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं जंगल में अकेला पड़ा था। खूनी का खून भी कर दिया गया और उसकी लाश भी गायब कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि यह काम किसी एक आदमी का नहीं। यस सर, यू आर राइट, वो लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक हैं।
उनको गिरफ्तार करना पुलिस के बस की बात नहीं। विशाल, पहली दफा मुझे महसूस हुआ है कि विशाल नहीं बल्कि उसकी जबान से कोई दूसरा आदमी बोल रहा है। चालाक और खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही पुलिस का फर्ज है। Try to understand that point. You may go now. Go! बेशरम, हारने के बावजूद भी उल्लुओं की तरह घूर घूर के क्या देख रहा है? झुका आंखें। खामोश क्यों है? कहां गई वो ताकत, वो दिलेरी, वो बहादुरी जिस पर तुझे नाज था? बेवकूफ, जब भी शीशा पत्थर से टकराता है चूर चूर हो जाता है। इस तरह दिल को छोटा ना कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन आप उस कमीने को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। एक ना एक दिन जरूर गिरफ्तार करूंगा, जरूर गिरफ्तार करूंगा। स्वेटी, मैं रात को कभी भी आ सकता हूं, जगती रहना। ओके, जरूर जगती रहूंगी। Thank you.
बेवकूफ मत बनो, जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, वरना अब तक तुम्हारे रिवॉल्वर की बजाय तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैं इंस्पेक्टर जरूर हूं, मगर विशाल सक्सेना नहीं, इसलिए कि मैंने विशाल सक्सेना के जमीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बताता हूं, हाथ नीचे करो, आओ मेरे साथ। ये बताओ चोरों की तरह क्यों आए? आदत से मजबूर हूं। कौन? कमिश्नर, रॉन्ग नंबर। ये तो आपका वफादार नौकर है। वफादार नहीं, ये आस्तीन का सांप है जो कभी भी डस सकता है। गेट आउट। बेवकूफ मत बनो, जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं, मैं इंस्पेक्टर जरूर, मगर विशाल सक्सेना नहीं, इसलिए कि मैंने विशाल सक्सेना के जमीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। औरत के हाथ चूल्हा जलाने के लिए होते हैं, पिस्तौल चलाने के नहीं। रक्त तो गोली चल जाए तो खून हो जाता है। चूल्हा जलाने के लिए दो उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है और पिस्तौल चलाने के लिए सिर्फ एक, है ना? डर गए? चलो। तुम भी डर गई थी ना? By the way, ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहां से आया? जी, किसी ने तोहफे में दी थी। बड़ा ही बेवकूफ था, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए इतना खतरनाक तोहफा। आप ठीक कहते हैं, बड़ा बेवकूफ था देने वाला, लेकिन आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? होटल डिगार्गा से। लेकिन तुम कैसे जाग रही हो? अब अचानक आँख खुल गई, देखा आप नहीं थे इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? जी। तो फिर आओ। नहीं। अरे आओ ना। नहीं छोड़िए ना प्लीज। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। इनकार क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, जब मैं सोचती हूं तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जो कुछ मेरे कानों ने सुना, जब मैं गौर करती हूं तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, सब तरफ अंधकार ही अंधकार है। अंधकार को मिटाने के लिए हिम्मत की जोत जलानी पड़ती है। कभी कभी आंखों देखा हाल और कानों सुनी बात भी गलत साबित हो जाती है। मैं समझी नहीं। चोरों को पकड़ने के लिए कभी कभी पुलिस वालों को भी चोरों जैसा भेष बदलना पड़ता है। भगवान करे तुम्हारी बातें सच हो, अगर ये झूठ हुआ तो जो लोग विशाल की ईमानदारी और वफादारी की कसमें खाते हैं उनके विश्वास की धज्जियां उड़ जाएंगी, और वही लोग मुझ पर उंगलियां उठा उठा कर कहेंगे कि वो रही गद्दार की पत्नी। नहीं नहीं, मैं अपने गुनहगार पति के पापों का प्रायश्चित ना कर सकूंगी, इससे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। भैया, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नादान ना बनो शालिनी, अगर विशाल ने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है
तो उसे सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज है। जाओ घर जाओ। मिस्टेक हो गया। काहे का मिस्टेक? तुम इसे मिस्टेक बोलती हो? हम ऐसे मिस्टेक ज्यादा पसंद करते हैं। शाबाश, वहां से साफ करो। वहां से भी करो, वहां से भी करो। हाँ हाँ, गुड। इधर से भी, ये वहां से जी। घबरा क्यों रही हो? जूली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये बेचारी स्टूल से गिर गई थी। अगर मैं कुछ देर और ना आती तो शायद आप भी अपने मुकाम से गिर गए होते। चलो जूली, मेरे साथ आओ। विशाल और एक घंटा लेट, सरप्राइज टू मी। ओ सिट डाउन। जी जेंटलमैन, पता चला है कि आज रात को होटल डिगारगा के मालिक रत्ना का माल मर्ड आइलैंड पे उतरने वाला है। यह खबर हमें किसी खास आदमी ने दी। कौन है वो आदमी? आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं जब भी कभी किसी काले धंधे वाले का नाम सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। जोश में आना बुरी बात नहीं, लेकिन होश गंवाना बहुत बुरी बात है। लेकिन सर ये खबर गलत भी तो हो सकती है। गलत खबर कभी कभी सही मुजरिम का पता भी देती है। अंडरस्टैंड दैट मच एंड डू योर ड्यूटी। यस सर, आई नो माय ड्यूटी। मुझे मालूम है मैंने क्या करना है। आपके कहने के मुताबिक सब मोर्चे संभाल लिए गए हैं। गुड, अपने सब आदमियों से बोल दो उनकी आंखें समंदर की तरफ रहेंगी और कान मेरी तरफ। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई गोली नहीं चलाएगा। यस सर। और मेरा इशारा होगा मेरे पिस्तौल की गोली। यस सर। समझे? यस सर। किनारे पर लग रही है। लग जाने दो। जी? I said go from here. Hey, इधर करो।
इधर करो, पीछे से सीधी करो थोड़ी, और तुम इधर आओ, और तुम लोग नीचे उतरो, संभल के चलो। हाँ तुम भी उठाओ, चलो तुम ऊपर लेके चलो, चलो शाबाश, धैर्य ध्यान से। अरे क्या करता, चल। हाँ ये सारा सामान ऊपर टेम्पो में भरने का है, समझे? सर उन्होंने माल भरना शुरू कर दिया। भरने दो, एंड डोंट कम हियर अगेन, एंड डू अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट? यस यस सर। शाबाश, सब सामान धीरे धीरे ऊपर ले चलो, बहुत कीमती सामान है। चलो जल्दी करो। अरे तुम बाबू साहब, चल शाबाश, तू भी चल, चलो। कमाल है, इन लोगों ने माल भरना भी शुरू कर दिया और पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अरे साहब आप, सलाम साहब, गंगुत्तू? हाँ साहब मैं, लेकिन कमाल है साहब, उस दिन हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद आप कहाँ गए हुए थे? दो तीन दफा डिपार्टमेंट में पूछने की कोशिश की, पता लगा आप आए नहीं। कहाँ गए थे साहब आप, कब आए? मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? शायद आपको मालूम नहीं साहब, ये खबर कमिश्नर साहब को मैंने ही दी है। ओ, तो तूने ये खबर दी है, फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो सरकार से मिल ही जाता है साहब। सरकार से तो तुम्हें इनाम मिलता ही, आज मैं तुम्हें इनाम दूंगा। Stop it! I say stop it! You bloody fools, what are you doing? Stop it, I say! सुनो, सुनो अभी तुम क्या कह रहे थे? आज से कुछ महीने पहले साहब की और रत्ना की लड़ाई हो रही थी, वक्त पर पहुंचकर अगर मैंने रत्ना को गोली ना मारी होती तो शायद साहब आज जिंदा ना रहते। लेकिन अफसोस, जिसे मैंने जिंदगी दी उसने मुझे फिर क्या हुआ था? फिर मैं उन दोनों को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल, जल्दी बताओ प्लीज, कौन सा हॉस्पिटल? नेशनल। ये क्या किया आपने सर, इससे तो हम बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। यही तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए कि मुझे सब कुछ मालूम है। माल कस्टडी में ले लो। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर विशाल सक्सेना नाम का कोई पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ था? जरा ठहरिए, कौन सी तारीख को? 11 अगस्त की रात। सॉरी मैडम, इस नाम का कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। इस तस्वीर को देखकर बताइए। यस यस, ये अकेला नहीं था, इसके साथ और आदमी था जिसे गोली लगी थी। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या आप बता सकती हैं कि जिसे गोली लगी थी उसका क्या हुआ और इनका क्या हुआ? जिसे गोली लगी थी वो तो मर गया और इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर सिन्हा ने किया। डॉक्टर सिन्हा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी नहीं, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने अमेरिका गए हैं। कब लौटेंगे? कुछ पता नहीं। प्लीज डू मी अ फेवर, जैसे ही वो आ जाए मुझे इस पते पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू। कामनी, मेरे रूम में।
जीजा जी आप, मैं चलती हूँ अपने कमरे। अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हम भी तो देखें तू कौन सी किताब पढ़ रही है। आप तो जानते हैं मेरी इम्तिहान नजदीक है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। कॉलेज की किताबें तुमने बहुत पढ़ी होंगी, आज हम तुम्हें इश्क की किताब पढ़ाएंगे। इश्क की किताब? अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? हमने। क्यों? इसलिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए दरवाजा बंद ही करना पड़ता है। अरे जीजा जी ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन कमबख्त मजाक करता है? प्लीज जीजा जी प्लीज छोड़िए ना, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। प्लीज प्लीज जीजा जी मुझे जाने दीजिए प्लीज। दीदी दीदी बचाओ। दीदी मुझे कामनी, दीदी दीदी कामनी दरवाजा खोलो। बचाओ दीदी, कामनी कौन है अंदर? दीदी कामनी जा किधर है? टिप्पिक दीदी बचाओ, दीदी जाने दो प्लीज, मुझे जाने दीजिए। दीदी विशाल, नहीं नहीं विशाल, इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है, तुम विशाल नहीं शैतान हो। मैं तुम्हारी काली करतूतों का भांडा फोड़ दूंगी और कमिश्नर साहब को फोन करके गिरफ्तार करवा दूंगी। मिस्टर विशाल सक्सेना, ये वही पिस्तौल है जो तुमने मुझे तोहफे में दी थी। अभी इसमें 5 गोलियां हैं और मेरे सवाल भी 5 हैं। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं ये सब तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। बताओ उस दिन कमिश्नर साहब के फोन को रॉन्ग नंबर कहकर क्यों रख दिया था? बताओ तुमने बादशाह की जान लेने की कोशिश क्यों की? होटल दिगारगा की गैंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बताओ तुमने गंगू की जान क्यों ली? बताओ तुमने कामनी की इज्जत लूटने की कोशिश क्यों की? जवाब नहीं दे सकते क्योंकि तुमने विशाल सक्सेना के जमीर को खत्म कर दिया है और आज आज मैं इस गंदे और नापाक शरीर को खत्म कर दूंगी। दीदी और इस तरह मिलॉर्ड विशाल सक्सेना का खून हुआ। योर ऑनर, ये दास्तान भी यही साबित करती है कि मुलजिमा शालिनी देवी ने अपने पति विशाल सक्सेना का खून किया। मिलॉर्ड, मैं अदालत की तवज्जो उन अल्फाजों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो शालिनी देवी ने विशाल सक्सेना पर गोली चलाने से पहले कहे थे कि तुमने विशाल सक्सेना के जमीर को खत्म कर दिया है और आज मैं तुम्हारे इस नापाक शरीर को खत्म कर दूंगी। योर ऑनर, विशाल सक्सेना ने अपने जमीर को क्यों खत्म किया या विशाल सक्सेना का जमीर कैसे खत्म हुआ, यही इस मुकदमे का अहम मसला है जिसे साबित करने के लिए मैं अपने आखिरी गवाह को पेश करना चाहता हूं और मेरे आखिरी गवाह हैं डॉक्टर पी के सिन्हा। इजाजत है। डॉक्टर पी के सिन्हा हाजिर हो।
गीता पे हाथ रख के कसम खाओ जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, 11 अगस्त की रात तकरीबन 11:30 बजे जब मैं एक इमरजेंसी केस अटेंड करके अस्पताल से निकल ही रहा था कि डॉक्टर डॉक्टर दो जख्मी आदमी अपने हॉस्पिटल के बाहर पड़े थे, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भिजवा दिया है। भिजवा दिया है? जी हाँ। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अच्छा सिस्टर, इन दोनों पेशेंट्स को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। हरी आप। यस डॉक्टर। सिस्टर, इस मरीज को होश आने में 1.5-2 महीने लगेंगे, तब तक इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। यस डॉक्टर। समझ गए ना? जी। होशियारी से। ओके डॉक्टर। थैंक यू। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग सिस्टर, हाउ इज द पेशेंट? गिव मी द चार्ट। डिड यू चेक द टेम्परेचर? या। व्हाट वाज इट? 98। पल्स रेट? नॉर्मल। इंजेक्शन तैयार है? जी हाँ तैयार है। कीप इट देयर। ये भी लो। टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल डॉक्टर। पेशेंट को कभी भी होश आ सकता है और जैसे होश में आए मुझे इत्तला कर देना। यस डॉक्टर। टेक गुड केयर। ओके डॉक्टर। योर ऑनर, इस मुकदमे की गुत्थी सुलझाने से पहले मैं दो बातें ब्रेन यानी दिमाग के मुताबिक
अदालत को बताना बेहद जरूरी समझता हूँ। पहली बात ये कि किसी भी इंसान के मरने के बाद 24 घंटे तक उसके ब्रेन सेल जिंदा रहते हैं, जो किसी भी दूसरे इंसान के काम आ सकते हैं। दूसरी बात योर ऑनर, जो मैं अपने प्रोफेशनल तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूँ, वो ये कि जब भी किसी एक इंसान के ब्रेन सेल्स दूसरे में तब्दील किए जाते हैं, तो दूसरे आदमी के सोचने की शक्ति उन तब्दील किए हुए ब्रेन सेल्स के मुताबिक ही होती है। एंड दिस इज बिकॉज योर ऑनर, ह्यूमन ब्रेन इज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस ऑन गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन। ये भी इत्तेफाक की बात थी योर ऑनर, उस रात जो दो मरीज मेरे सामने लाए गए जख्मी हालत में, उनमें से एक अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया और दूसरे का ब्रेन हेमरेज हो चुका था। उन दोनों के बारे में मैं तहकीकात करता कि वो कौन है, कहां से आए हैं, इतना वक्त मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने मरे हुए आदमी के ब्रेन सेल्स दूसरे में तब्दील कर दिए और मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर, 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 उस मरीज को होश आ गया। आ गया? हाँ, गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, मगर ये एक बात गौर से सुन लो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट तुम पर किया है, इसलिए जो कुछ मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। क्या नाम है तुम्हारा? रतन कुमार। क्या करते हो? जी, मेरा होटल का बिजनेस है, होटल डिकार का। सिस्टर? यस डॉक्टर। लीजिए। थैंक यू। इसे देखो। बास्टर्ड, यू आर स्टिल अलाइव, आई विल किल यू। ये तो तुम्हारा अपना अक्स था, इसका मतलब है मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। कैसा एक्सपेरिमेंट? What do you want to prove? सब कुछ बता दूंगा बेटे, सब कुछ बता दूंगा, सब समझा दूंगा। टेक इट इजी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, मैं सब समझा दूंगा बाद में, आराम करो। सिस्टर? यस। मैं इंस्पेक्टर हूं, पर मैं तो रत्ना हूं। नहीं, इंस्पेक्टर हूं पर मैं तो रत्ना हूं। मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं इंस्पेक्टर हूं। थैंक यू डॉक्टर। फर्स्ट टाइम सच केसेस हैपेंड इन द कोर्ट, नो दिस इज फर्स्ट टाइम। अफसोस योर ऑनर, इससे पहले कि मैं किसी और को इस केस के बारे में बता सकता या खुद ही इस तब्दीली को स्टडी करता, मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्टेट जाना पड़ा और आज सुबह ही वापस आया हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। योर ऑनर, डॉक्टर पी के सिन्हा के बयान के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि विशाल सक्सेना के जिस्म में उनका अपना दिमाग नहीं बल्कि रतन कुमार उर्फ रत्ना का दिमाग काम कर रहा था, जो कि एक खतरनाक मुजरिम था। योर ऑनर, हकीकत तो यह है कि दोनों ही मर चुके थे, एक जिस्मानी हैसियत से, दूसरा जहनी हैसियत से। मगर यह कुदरत का अजीब और गरीब करिश्मा है योर ऑनर, कि मरने के बावजूद दोनों एक ही जिस्म में जिंदा थे। विशाल सक्सेना का जिस्म था और दिमाग रत्ना का। योनर, शालिनी देवी का नाम बाई से इल्जाम नहीं बल्कि काबिले एहतराम है, जिन्होंने ये साबित कर दिया जिस हिंदुस्तान में औरत
अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती है, वही पति अगर राक्षस बन जाए तो वो दुर्गा बनकर उस राक्षस का सर्वनाश भी कर सकती है। योर ऑनर, शालिनी देवी का बयान अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने खून किया है, मगर अपने पति का नहीं, एक राक्षस का, एक ऐसे राक्षस का जो अगर जिंदा रहता तो विशाल सक्सेना के रूप और ओहदे का फायदा उठाकर बेशुमार जुर्म कर सकता था। योर ऑनर, दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो योर ऑनर, एक सुहागन ने न सिर्फ अपने सुहाग को कुर्बान किया है बल्कि कानून, समाज और संस्कृति पे एक कभी न उतरने वाला एहसान भी किया है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि शालिनी देवी के सर से उनके पति के खून का इल्जाम हटाते हुए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर।